जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की विशिष्ट हिंदी पुस्तक स्वाति के अंतर्गत पाठ 3 घनानंद के पदों की व्याख्या समझेंगे। घनानंद के पदों में विश्व की शक्ति का केंद्र प्रेम माना गया है। समस्त सृष्टि प्रेम से ही परिपूर्ण है। प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि के पद पर नियुक्त थे। आज हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं, इन पदों में घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को वियोग में लिखे हैं। इन पदों में कवि ने अपनी प्रिय की स्मृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। घनानंद स्त्री पुरुष के प्रेम मार्ग को छल कपट से रहित मानते हैं। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा एवं सरल है। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम हृदय से किया जाता है। वे अपने प्रिय की समस्त क्रियाओं को याद करके उसकी उपेक्षा भरे भावों से आहत हैं। अपनी प्रिय की बेवफाई में उन्हें विकल कर देती है। ऐसे में प्रकृति के विभिन्न उपादान जैसे वर्षा, बादल, कोयल उनकी इस विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देते हैं। समस्त पदों सवैया छंद, मुक्तक शैली, वियोग श्रृंगार रस है। अनुप्रास यमक एवं श्लेष तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा प्रशंसनीय है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार का उदाहरण दिया गया है। सर्वप्रथम पहले पद का संकेत आपु ही तो डैश ही गांव है। हम जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं उस पद में प्रथम दो या तीन शब्द लिखकर संकेत देते हैं, इसी से उसका भावार्थ स्पष्ट करना होता है। तत्पश्चात संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम एवं पुस्तक का नाम, ये तीनों अगर आ जाते हैं तो संकेत का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी को प्रेम से रहित एवं कठोर बताया है। अब हम व्याख्या सुनेंगे। कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के निष्ठुर व्यवहार से दुखी होकर उलाहना देते हुए कहते हैं कि पहले तो प्यार करके मेरे मन को चुरा लिया और अब अपनी बेरुखी से मेरे प्रेम का मजाक उड़ाती हो। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर कर मेरे प्रेम को भी अस्वीकार करती हो। व्यथित होकर कवि ईश्वर से कहता है कि उसकी प्रिय ने उसकी यादों को भी भुला दिया है। दुखी कवि सुजान से पूछते हैं कि वे किस प्रकार अपने प्रेम को व्यक्त करें, प्रिय को छोड़कर कहाँ जाएं। अपने प्रेमिका को मोहन शब्द से संबोधित कर प्रेम की व्यापकता का परिचय देते हैं। कवि कहते हैं कि तुम मेरे साथ घृणा का व्यवहार क्यों करती हो, प्रेम में ऐसा नहीं होता। कवि अपनी प्रेयसी की एक झलक पाने को आतुर है तथा प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल है। कवि घनानंद कहते हैं कि हम एक ही स्थान पर रहते हुए भी दूर क्यों हैं। अंत में यह स्पष्ट होता है कि सुजान की बेवफाई कवि के लिए असहनीय है। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत इस पद में जो काव्य सौंदर्य है उसको समझेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, मुक्त शैली है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास यमक अलंकारों की छटा दर्शनीय है। यहाँ मोहन शब्द कृष्ण एवं सुजान दोनों के लिए उपयुक्त हुआ है। बच्चों, आप इसके बाद दूसरे पद का व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। संकेत। पहले अपनाए डैश घोरिए जू
संदर्भ पहले की ही तरह कवि का नाम, पाठ का नाम एवं पुस्तक का नाम। तत्पश्चात प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि अपनी प्रेमिका को प्रेम न तोड़ने का अनुनय विनय कर रहे हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि पहले तो तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को अब क्यों तोड़ दिया। तुम्हारे प्रेम में मझधार में पड़ा हुआ हूँ, मुझे तुम इस तरह छोड़कर मत जाओ। तुम भी चातक पक्षी की तरह मुझसे अपना प्रेम निभाओ, जैसे चातक पक्षी बादलों की ओर टकटकी लगाए प्यार से निहारता है, इस आशा से कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंदें उसकी प्यास बुझाएंगी। इसी प्रकार तुम भी चातक पक्षी के गुणों को ग्रहण करके मुझसे अपना प्रेम बनाकर रखो। मुझे प्रेम का रस पिलाकर मेरी आशा को जागृत करके मुझे विष्णु पिलाओ, अर्थात मेरे विश्वास में विश्वासघात मत कर। अब हम तीसरे पद की व्याख्या समझेंगे। संकेत। कारी कूरी डैश मन घोरीले, संदर्भ पूर्वानुसारी होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित हो जाएगा। प्रकृति के विभिन्न उपादानों में विरहजनित कवि को सुजान के वियोग में और अधिक कष्ट दे रहे हैं। व्याख्या। विरह की पीड़ा से पीड़ित कवि घनानंद को आनंद के प्रति कोयल भी कष्ट दे रही है। वे कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तू क्यों कूक कूक कर मेरा कलेजा निकाल लेगी। ये पापी मोर भी दिन रात क्यों क्यों करके मेरे कष्ट को बढ़ा रहे हैं। चातक पक्षी की आवाज़ जो कभी बहुत प्रिय लगती है, वही आवाज़ विरह की पीड़ा में मेरे कानों को कटु लग रही है। आनंद के प्रति बादल भी सुजान के विरह में मेरी पीड़ा को अधिक बढ़ा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कोयल, मोर, बादल इन सभी ने मुझे अकेला जानकर घोर दुख देने की ठान ली है। भक्ति के संदर्भ में जब तक श्री कृष्ण नहीं आते तब तक तुम गरज कर मुझे डरा लो। इस पद में बताया गया है कि संयोग श्रृंगार में प्रकृति सुखदायी होती है, वही वियोग श्रृंगार में दुख प्रदान करने लगती है। अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में प्रकृति के विभिन्न उपादानों का उल्लेख किया गया है, साथ ही यह बताया गया है कि जो प्रकृति के विभिन्न उपादान संयोग श्रृंगार में हमें आनंदित करते हैं, वही वियोग में हमें दुखी करते हैं। देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज का मतलब होता है स्थान विशिष्ट में होने वाले शब्द। अलंकार। अलंकारों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं श्लेष अलंकार की छटा दर्शनीय है। बच्चों, घनानंद की ये तीन पदों की व्याख्या हमने समझी। आशा है आप सभी को इस व्याख्या के माध्यम से कविता के भावार्थ को समझने में आसानी होगी। जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की विशिष्ट हिंदी पुस्तक स्वाति के अंतर्गत पाठ 3 कवि रत्नाकर द्वारा रचित कविता, जो कि प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत है, उसका भावार्थ समझेंगे। कविता का शीर्षक है उद्धव प्रसंग। कवि रत्नाकर रीतिकाल और आधुनिक काल के मध्य में वियोग श्रृंगार को अपने काव्य का आधार बताया है। कृष्ण एवं गोपियों के आपसी प्रेम का भाव में ही चित्रण इन्होंने अपनी इस कविता में किया है। कृष्ण के मथुरा जाकर बस जाने के पश्चात गोपियाँ कृष्ण की याद में बहुत दुखी हैं।
उनके दुख को दूर करने एवं उनकी खोज खबर लेने के उद्देश्य से कृष्ण अपने मित्र उद्धव को अपना पत्र एवं योग मार्ग अपनाने का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं। लेकिन योग सिखाने आए उद्धव गोपियों के तर्क के समक्ष हार मान लेते हैं एवं अंत में उद्धव को स्वीकार करना पड़ता है कि कृष्ण से सच्चा प्रेम तो गोपियों ने ही किया है। मथुरा वापस लौटकर कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको देखने की लालसा मेरे मन में ना होती तो मैं कभी मथुरा वापस नहीं आता, हमेशा के लिए यमुना के किनारे कुटी बनाकर रहने लगता। रत्नाकर के पदों में शब्दालंकार के साथ रूपक एवं प्रतीकों का भी उत्कर्षशाली वर्णन है। घनानंद की तरह रत्नाकर ने भी वियोग श्रृंगार का वर्णन अपने पदों में किया है। रत्नाकर द्वारा रचित प्रथम पद का संकेत, भेजे मन भावन डैश सबै लगी। संदर्भ, प्रस्तुत पद कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। यह पद प्रेम और सौंदर्य नामक काव्य पाठ से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए उनके मित्र उद्धव का प्रसंग है। गोपियां उद्धव से मिलने को आतुर हैं एवं कृष्ण ने पत्र में हमारे लिए क्या लिखा है यह जानने की उत्सुकता का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण है। सर्वप्रथम हम कुछ कठिन शब्दार्थों का अर्थ समझेंगे। झौरी झौरी अर्थात झुंड के झुंड, दौरी दौरी अर्थात दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी अर्थात नंद के आंगन में, उजकी उजकी अर्थात एड़ी उठाकर उचक उचक कर देखना, पैखी पैखी देख देख कर, छाती छोहने लगी अर्थात हृदय से स्पर्श करने लगी। ये कठिन शब्दार्थ है। अब हम व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पद में घनानंद, जब कृष्ण में ब्रज में कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव के आगमन की बात गोपियों को पता चलती है तो गोपियां झुंड की झुंड बनाकर दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर एकत्रित हो जाती हैं। कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में ब्रज के लोगों एवं गोपियों का नंद के घर पर एकत्रित होने से भीड़ के कारण गोपियों को उद्धव न दिख पाने के कारण गोपियां अपने कमल के समान पैरों पर उचक उचक कर कृष्ण के संदेश को देखना एवं सुनना चाहती हैं। उनका हृदय यह जानने के लिए उत्सुक है कि पत्र में कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। कवि रत्नाकर कहते हैं कि पत्र हाथ में आ जाने पर बार बार पत्र को देखकर हृदय से स्पर्श करने लगती हैं। पढ़ना न आ पाने के कारण बार बार उद्धव से पूछती हैं कि कृष्ण ने इस पत्र में हमारे लिए क्या लिखा है। भावार्थ के पश्चात काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत गोपियों की आतुरता का चित्रण है। अनुभावों एवं संचारी भावों का सुंदर संयोजन है। सरल सुबोध ब्रजभाषा का प्रयोग है। श्रृंगार वियोग रस, अलंकारों में रूपक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है। बच्चों, हम रत्नाकर द्वारा रचित द्वितीय पद के अर्थ समझेंगे। सर्वप्रथम संकेत, संकेत के अंतर्गत सुनी सुनी उद्धव
डैश सहमी सुखानी संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग, उद्धव ने ब्रज में आकर गोपियों को कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग मार्ग अपनाने का संदेश दिया, जिसके सुनते ही विरह से व्याकुल गोपियां क्रोधित हो गईं एवं उल्टा उद्धव को ही भला बुरा कहने लगी। कठिन शब्दार्थ, अकह जो न कही जाए, थहरानी अर्थात काँप गई, थान ही अर्थात एक ही जगह पर, थिरानी अर्थात स्थिर हो गई, रिसाई अर्थात क्रोधित हो गई, बररानी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, बिथकानी अर्थात थकी थकी सी, सेदसानी अर्थात पसीना पसीना हो गई, दृक अर्थात आँखें, घूमी घूमी परी अर्थात चक्कर खाकर गिर पड़ी, मुरझानी बेहोश हो गई, बिललानी अर्थात छटपटाने लगी, को अर्थात कोई, कोमल करेजो अर्थात अत्यंत ही कोमल हृदय, थामी इन्हें पकड़कर, सहमी सहमी अर्थात सहम कर मानो सूख गई। ये थे कठिन शब्दार्थ। अब हम व्याख्या की ओर प्रस्तुत हैं। उद्धव की ब्रह्म प्राप्ति की अकथनीय कहानी को सुनकर सभी गोपियां बेहाल हो गईं। योग मार्ग का संदेश सुनकर कोई थर थर कांपने लगी, कोई एक ही स्थान पर जड़वत खड़ी हो गई, कई गोपियां उद्धव पर क्रोध करने लगी और क्रोध में बड़बड़ाने लगी, कोई रोने लगी, कोई व्याकुल हो गई। कई गोपियां उद्धव के इस योग मार्ग के संदेश को सुनकर थकी थकी सी हो गई। इस असहनीय व्यथा के कारण कई गोपियां पसीने से नहा गईं, किसी के आंखों से आंसू बहने लगे, कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और कई गोपियां शाम शाम की रट लगाकर बहकी बहकी बातें करने लगी और कई गोपियां दुख से विकल अपने हृदय को थाम कर निराश होकर जमीन पर बैठ गई। ये थी तीसरे पद की व्याख्या। इस पद के काव्य सौंदर्य का अंतर्गत उद्धव के मुख से योग की बातें सुनकर गोपियों की विरह दशा का क्रोधमय एवं विरही दशा का चित्रण है। अलंकारों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास का प्रयोग प्रशंसनीय है। तत्पश्चात तीसरे पद का अर्थ अब हम समझेंगे। संकेत, आए हो सिखावन बसावो ना। संदर्भ पूर्वानुसारी होगा। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा उद्धव के योग मार्ग के अनेक अर्थ निकालकर उन्हें उलाहना देती हैं। कठिन शब्दार्थ, जोग अर्थात योग शास्त्र, सिखावन यानी सिखाना, वचन बातें, बतरावो बताना, दरस अर्थात दर्शन, दीनियो यानी देना, दुख दरीबे अर्थात दुख दर्द, टूक टूक अर्थात टुकड़े टुकड़े होना, मन मुकुर अर्थात मन रूपी दर्पण, वेन पाहन अर्थात शब्दों के पत्थर, बसिके यानी बसाकर, उजार्यो अर्थात उजाड़ना, हिय यानी हृदय। ये कठिन शब्दार्थ हैं। बच्चों अब हम व्याख्या पर आएंगे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को उलाना देते हुए कहती हैं कि तुम
मथुरा से योग अर्थात मिलने का संदेश लेकर आए थे। कहने का तात्पर्य है, योग का भाव होता है जोड़ना, और तुम यहाँ पर कृष्ण से हमें मिलाने का संदेश लेकर आए थे। हमें बिछड़ने और कृष्ण को भुलाने की कठोर बातें क्यों कहते हो? कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हमारे दुख को दूर करने के लिए आपने यहाँ आकर हम पर बड़ी कृपा की, तो फिर से बिछड़ने की बातें करके हमारे दुखों को और मत बढ़ाओ। आपसे हमारी प्रार्थना है कि अपने ज्ञान के उपदेश रूपी कठोर वचन के पत्थर भूलकर भी मत जलाना, नहीं तो हमारा मन रूपी दर्पण, दर्पण का मतलब कांच, मन रूपी दर्पण टूट जाएगा। हमारा कोमल हृदय तुम्हारी योग की कठोर बातें सहन नहीं कर पाएगा। गोपियाँ अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है कि एक मनमोहन अर्थात कृष्ण ने हमारे हृदय में बस कर हमें बेघर कर दिया अर्थात उजाड़ दिया, और हमें विरह की पीड़ा सहन करने के लिए छोड़ दिया। यदि तुमने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो दर्पण में अनेक टुकड़ों में हमें अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसे में हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय होगी, इसीलिए हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक कृष्ण को न बसाओ। हमारे जो कृष्ण हैं हम बस उन्हीं को अपने मन में बसाए रखना चाहते हैं। बच्चों, ये थी व्याख्या। अब हम काव्य सौंदर्य पर आएंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मुहावरों का सुंदर प्रयोग, व्याकरण सम्मत ब्रज भाषा, व्यंगात्मक शैली है, वियोग श्रृंगार रस है, अलंकारों के अंतर्गत श्लेष एवं पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब चौथा और सबसे अंतिम पद संकेत, छावते कुटीर डैश पाँव धरते नहीं। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव का ब्रज के प्रति अनुराग व्यक्त किया गया है। कठिन शब्दार्थ, छावते कुटीर अर्थात कुटिया बना लेते, गौन अर्थात गमन जाना, रौन रेनी रही रम जाना, गूढ़ यानी गंभीर, त्रोन यानी कहना, प्रलयागम यानी प्रलय का आना, चितावन देखने की इच्छा। ये तो है कठिन शब्दार्थ। अब हम व्याख्या पर आएंगे। जैसे कि हमने पहले वाले पद में पढ़ा था, कृष्ण योग मार्ग का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचे, उल्टा गोपियों ने ही उन्हें उलाना देते हुए कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और तुम हमें कृष्ण को बुलाने के लिए कह रहे हो, और वे वहाँ पर रहकर गोपियों की बातों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि गोपियों की दयनीय दशा को आपसे न कहना होता तो मैं कभी मथुरा नहीं आता, चाहे मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करना होता, किसी भी हाल में रहना होता, तब भी मैं ब्रज के रमणीय यमुना के किनारे को किसी स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर रह लेता, वही प्रेम पूर्वक रहता, इधर मथुरा कभी नहीं आता। रत्नाकर कवि कहते हैं, उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि मैंने गोपियों के मुख से प्रेम की गंभीरता को जाना और समझा है। श्री कृष्ण तुम्हारी प्रेम गाथा का वर्णन करते हुए गोप ग्वालों की आंखों से जो अश्रुधारा बहती है उसे देखकर प्रलय आने की संभावना से नहीं डरते। कहने का तात्पर्य है कि
ब्रज की समस्त गोप गोपिकाएं तुम्हारे विरह में निरंतर आंसू बहाते रहते हैं, और इतने अधिक आंसू बहते हैं कि उस आंसुओं के माध्यम से अगर प्रलय भी आ जाए तो वे नहीं घबराते। यदि आपको देखने की चाहत नहीं होती तो मैं कभी मथुरा वापस नहीं आता, वही ब्रज को ही अपना निवास स्थान बना लेता और ब्रज की गोप गोपिकाओं के साथ ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता। काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, ये थी प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत घनानंद एवं रत्नाकर की कविताओं की व्याख्या। आशा है आपको इसका अर्थ भलीभांति समझ में आ गया होगा, कठिन शब्दार्थ भी आप समझ गए होंगे, छंदों की परिभाषा से अवगत हो गए हैं। जय हिंद।